हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का फिर स्वागत है हमारे चैनल सी फॉर एजुकेशन में। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर, ये वो है वर्ड फॉर्मेशन। इस चैप्टर से आपको जो है कम से कम DRDO के एग्जाम में 500 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और हो सकता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिन लोगों ने अभी नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और साथ ही लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन है और आपको इसमें करना क्या है, इसमें आप सबको जो है ये जो जितने भी वर्ड दिए गए हैं इसमें से वो एक एक ऐसा वर्ड चूज करना है जो इनसे मिलकर जो है वो ना बनता हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, चूज द राइट ऑप्शन विच कैन नॉट फॉर्म बाई यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवेन वर्ड। मतलब ये जो जितने भी ए वर्ड दिए गए हैं, ये आपको जो ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, इससे जो है कोई वर्ड जो है वो फॉर्म ना हो, ठीक है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आपका जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है लीगलाइजेशन, तो इसमें क्या फॉर्म नहीं होगा, पहले आपको जो चारों ऑप्शन को अच्छे से चेक कर लेना है, तभी जाकर जो आपको जो इसका करेक्ट आंसर तो वैसे ही मालूम पड़ जाने वाला है। देखिए इसमें हो क्या रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ए और इसमें भी ए है, एल है, इसमें भी एल है, ई है और इसमें भी ई है, आर है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कहीं भी आर देखने को नहीं मिलेगा, टी तो देखने को मिलेगा पर दोस्तों यहाँ पे आर जो है इस वाले में आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पर सीधे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अलर्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या है। दोस्तों देखिए ये जो क्वेश्चन है ये SSC MTS 2014 में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आज का इसका जो है आपको जो है DRDO के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से करना इस टाइप के क्वेश्चन को और ये इस चैप्टर को तो काफ़ी ध्यान से करना। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। ये जो हमारा वर्ड दिया गया है कम्युनिकेशन, इसमें से आपको इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करना है जो इनको इनमें से फॉर्म ना होता हो वो वर्ड, ठीक है। देखिए इसमें क्या, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, पहले आपको चारों ऑप्शन को जो है चेक करना है सही से, तभी जाकर जो है आपका इसका जो आंसर मिलने वाला है। देखिए हो गया रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर क्या दिया है, एक्शन, तो ए हो गया, सी हो गया, टी हो गया, आई ओ एन मिलकर क्या बन जाएंगे, एक्शन। मतलब यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, आई भी है, ओ है और एन है, यहाँ भी ओ एन है। तो दोस्तों ये तो मिलकर बन जा रहा है, पर दोस्तों हमें एक वैसे इन चारों ऑप्शन में से चुनना है जो ना मिलकर बनते हों। और यहाँ पे यूनिसन भी बन जाएगा, ये UNI और यहाँ पे ON यूनियन भी बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी तो नहीं होने वाला है। उसके बाद नेशन की ऑप्शन नंबर 3 में है नेशन, तो ये भी बन जाएगा NATIO और एन ये भी बन जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे यूनिसन, ये यहाँ पे नहीं बनेगा क्योंकि इस वाले कम्युनिकेशन में जो है आपको कहीं जो एस नहीं देखने को मिलेगा, बाकी सारे वर्ड है लेकिन एस नहीं है इसमें। तो इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिसन। तो दोस्तों देखिए कितना इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन है, ये SSC MTS में भी आ चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा क्वेश्चन जो है आपको जो है DRDO MTS में भी देखने को मिल सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या है। तो दोस्तों देखिए ये जो हमारा वर्ड दिया गया है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका वर्ड दिया गया है और ये जो है SSC 10+2 यानी कि 10 SSC CHSL का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको जो है बिल्कुल ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चन को, ताकि आप जो है DRDO के एग्ज़ाम में जो है ऐसे भी क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाए। देखिए इसमें है क्या, यहाँ पर आपको ये वर्ड दिया गया है, फिर भी आप चारों में से वही चुना है जो इसमें से फॉर्म ना होता हो कोई वर्ड। तो यहाँ पर CON और यहाँ पर CON, तो ये दोनों तो मिल रहे हैं। चलिए तो ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है TOM, तो यहाँ पर टी हो, टी है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर एम है, मतलब ये भी बन जा रहा है वर्ड, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद प्रेटी दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है पी है, पर दोस्तों इसमें जो आपको जो कहीं जो वो आर देखने को नहीं मिलेगा, तो आपका जो सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रीति, ठीक है दोस्तों। जबकि यहाँ पर पोस्ट को मिलाया जाएगा तो ये भी वर्ड बन जाएगा, POS और टी पोस्ट हो जाएगा, पर इस ये वाला जो है वो नहीं बनेगा, इन चारों में से चेक करिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी जो ऐसा क्वेश्चन है वो SSC CGL में आ चुका है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या क्या रहा है, ये हमारा वर्ड दे दिए गए दिया गया है और फिर वैसे ही आपको जो चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको जो सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट में क्या दिया गया है आपका, रिलेशन,
तो इनमें से आप चेक कर ले पहले, रिलेशन आर है, ई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसे ही आंसर मिल गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एल जो है इसमें कहीं नहीं है, आप इस वर्ड में जो है कहीं आपको जो एल नहीं देखने वाला है। तो यहाँ पे ऐसे ही आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लें, यहाँ पे ट्रेन भी हो जाएगा, यहाँ पर टी है, उसके बाद ई भी है, उसके बाद आर भी है, फिर यहाँ पे आर है, उसके बाद ए है, उसके बाद आई है और एन है। तो मतलब ये जितने जो है ये तीनों जो है ऑप्शन नंबर सी बी एंड डी, इन तीनों में से जो वर्ड बन जा रहे हैं, पर यहाँ पे हमारा जो वर्ड ऑप्शन नंबर ए है वो नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या है। और हाँ दोस्तों, अगर आप जो है इसका जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जाएँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का, वीडियो के पीडीएफ का, आप वहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है इसमें हमारा वो एक वर्ड दे दिया गया है, मर्चेंटाइज, ठीक है, मर्चेंडाइज दे दिया गया है। और इसमें से आपको जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से भी सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों देखिए, इसमें से जो पहला क्या दिया है, मेस, यानी कि एम ई, और उसके बाद एस भी बन जाएगा और एस एच भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा गलत हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं, दूसरा है डाइस, डाइस ऑप्शन नंबर बी में दिया है, डी आई सी, मतलब ये भी हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी आपको जो है इसमें नहीं आने वाले। बाकी अब बचते हैं ये दो, देखते हैं इसमें से, ये दिया है चार्म, सी एच ए आर एम, मतलब कि चार्म भी बन जा रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी जो सक्सेसफुली वर्ड जो है वो फॉर्म हो जा रहा है, पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में जो है ये वर्ड फॉर्म नहीं होगा, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, चांस लिखा है। तो सी एच ए, और दोस्तों उसके बाद आपको जो है एन भी मिलेगा, ठीक है, पर दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कहीं भी सी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पोर्टफोलियो, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये SSC MTS में एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, तो आपको जो है DRDO में भी ऐसे जो है क्वेश्चन देखने को इस टाइप का मिल सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको इस चैप्टर को पूरे ध्यान से पढ़ना, ताकि आप जो है इस मतलब पांच तो क्वेश्चन आपसे आएंगे ही आएंगे इस चैप्टर से DRDO के एग्जाम में। तो दोस्तों देखिए, यह है पोर्टफोलियो वर्ड दिया गया है, आपके पास चार ऑप्शन है, अब आपको जो इनमें से सिलेक्ट करना है। चलिए अब चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रिफ्ट, यानी कि रिफ्ट RIFT, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है वर्ड बन जा रहा है, और हमें क्या सिलेक्ट करना है इस चार ऑप्शन में से जो वर्ड ना बने, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा हमारा आंसर। उसके बाद रूफ दिया हुआ है, ROOF रूफ भी बन जाएगा, और उसके बाद फोर्ट FORT फोर्ट भी बन जाएगा, पर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो नहीं बनेगा, यहाँ आप देख सकते हैं पी और ए दिया गया है जबकि इसमें ए है ही नहीं, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ऐसे ही मालूम पड़ गया होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको जो इसमें ऐसे ही अगर आप ऑप्शन को चेक करिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर और एकदम बिल्कुल आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफी वर्ड दे दिया गया है, और ऑप्शन नंबर ए है ट्रूप, यहाँ पर देखिए TROO और पी, पर दोस्तों यहाँ पर देखिए ये पी है, तो ये जो है ये वर्ड जो है वो बन जा रहा है। उसके बाद दिया गया है ब्राइट, यहाँ पे बी है, आर है, आई है, उसके बाद क्या है, जी है, एच है और टी, मतलब ये भी बन जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ग्राफिक की बात करते हैं, GRAPHI, और उसके बाद दोस्तों सी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हमें कहीं भी आपको जो है वो सी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ऐसे ही आपको मालूम पड़ गया, ग्राफिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप ऑप्शन नंबर डी को चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लें, मैं भी आपको चेक करके बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी है ट्रॉफी, यहाँ पे टी है, आर है, ओ है, पी एच वाई, मतलब ये जो है बन जाएगा, इन तीनों को मिलाकर जो है ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी को मिलाकर वर्ड बन जाएंगे, पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है जो नहीं बन पाएगा, तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या दिया है, उसमें आपको दिया गया है नूमिस्मेटिक, ठीक है, आपको इसमें से चूज करना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मस्ट, यानी कि आपको इसमें से जो MUST, मतलब ये वर्ड जो है बन जाएगा। उसके बाद है सिंस, यानी कि SINC, और दोस्तों देखिए ये लास्ट वर्ड है ई, ई नहीं मिल रहा है,
इसमें ई है ही नहीं, तो ऐसे ही आपका डायरेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, जबकि यहाँ पे आप मैट्रिक हो वो भी बन जाएगा, MATIC मैट्रिक हो गया, उसके बाद मैट भी बन जाएगा यहाँ पर देखिए MAT, जबकि ऑप्शन नंबर बी में आपको जो है इसमें से इसका लास्ट वर्ड ई कहीं नहीं दिखने को मिलेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नवा क्वेश्चन उसमें क्या है, इसमें दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है सिचुएशन, तो दोस्तों देखिए SI, उसके बाद T है, उसके बाद U है, तो दोस्तों आपको आंसर तो ऐसे ही मालूम पड़ गया होगा यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे यू इस वर्ड में कहीं है ही नहीं, जबकि यहाँ पे यू दे दिया गया है, तो ऐसे ही आपको आंसर मालूम पड़ गया कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर होगा। बाकी अगर आप तीनों ऑप्शन को चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर ले खुद ही, क्योंकि दोस्तों बार बार मैं चेक करके आपको नहीं बताता रहूँगा। चलिए देखते हैं आज का हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं उसमें क्या है, तो दोस्तों इसमें एक ये वर्ड दिया गया है और फिर वैसे ही आपको जो है चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखिए क्या करना है, इसमें जो है बिन दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि बी ई ई और एन, मतलब ये वर्ड जो है वो फॉर्म हो रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में देखिए NEB और IN, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आई मिसिंग है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई दिया हुआ है, पर दोस्तों इसमें जो आई कहीं नहीं दिया गया है, तो आपको ऐसा ही डायरेक्ट आंसर मालूम पड़ गया, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। और बाकी ये दोनों ऑप्शन को मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ, यहाँ पे LENT लेंट है, तो यहाँ पे LENT ये भी वर्ड बन जाएगा, उसके बाद बेन है तो BEN और यहाँ भी BEN, तो देखा दोस्तों ये जो कितने बहुत ही ईजी चैप्टर था ये, अभी भी इसका जो पार्ट 1 आ गया है और पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत ही जल्द आएगा, तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। दोस्तों अगर आपको कुछ आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम सुनाई दे रही होगी तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी मेरे पास कोई खास इक्विपमेंट है नहीं, माइक वाइक कुछ नहीं है, तो अगर आपको वॉल्यूम में थोड़ा कम आवाज़ या फिर नॉइज़ ज़्यादा सुनाई दे रहा होगा तो उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, अगर पैसे हुए तो आप सभी के लिए हम जरूर लाएंगे माइक और उससे वीडियो बनेगा ताकि आपको जो बिल्कुल क्लियर आवाज़ सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।